स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम सतनाली कस्बे में लगातार यहां पर मौजूद हैं और ये सुरती पिलानिया का ये गांव है और काफ़ी संख्या में यहां पर लोग हैं। पीछे दिखाइए, काफ़ी संख्या में जो है हर वर्ग जो यहां पर बैठा है। पीछे महिलाएं बैठी हैं, बीच में जो है युवा शक्ति बैठी है, आगे बुजुर्ग बैठे हैं और लगातार ये पूर्व SDM संदीप सिंह को हाथ खड़ा करके आज एक वादा किया है, प्रण लिया है कि अब की बार जो है विधानसभा में भारी वोटों से पूर्व SDM संदीप सिंह को आगे ले जाएंगे, चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि लगातार सतनाली एरिए के लोग हैं, सभी गांव में अच्छा सा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो संदीप जी क्या कहेंगे आज सुरती पिलानिया में? पहले भी आपने कार्यक्रम करे और आज ये कार्यक्रम है, इससे लग रहा है कि कहीं जीत जो है निश्चित हो चुकी है आपकी। सैनी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम दिया और खासतौर मेरे पूरे सुरेती गांव को, तीनों सुरेतियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, इतने मौसम में, इतना सर्दी का मौसम है, सबको पानी देना होता है, किसी को कुछ करना होता है, लेकिन आज सबसे बड़ी कृपा जो रही वो ईश्वर की रही। सभी गांव वाले बोल रहे थे कि आप आए तो बारिश भी आ गई। बिल्कुल, तो ये बहुत बढ़िया रहा है सारा का सारा। तो इनका काम भी आधे से ज़्यादा बट गया। तो देखिए, कम से कम 1.5 घंटे से हमारे पूरा परिवार हमारी वेट कर रहा था, पूरा 1.5 घंटे से। मैं क्योंकि और प्रोग्राम्स में थोड़ा लेट हो गया था, तो लेकिन कोई भी यहाँ से गया नहीं। सब ने कहा भी हम तो मिलके और अपने विचार सुन के जाएंगे। तो ये होता है आपस में परिवार का रिश्ता। सैनी साहब, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई एक दिन की तपस्या नहीं है, ये तपस्या पूरे 53 साल की है, पूरी 3 पीढ़ियों की, 3 जनरेशन की तपस्या है ये। पहले ताऊ जी ने यहाँ पे सेवा की, रामवीर सिंह जी ने, फिर मेरे पिताजी ने यहाँ सेवा की और 21 साल से लगातार मैं अपने यहाँ पे अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ। देखिए, अपने परिवार से कुछ छुपता नहीं है, सब कुछ सामने है। हमारे परिवार जानता है कि संदीप सिंह केवल हमारी सेवा के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि क्लासों की नौकरी छोड़ के हम आए हैं पूरे 10 साल की और लगभग 5 साल एक्सटेंशन मिल जाती है, तो 15 साल सिक्योरिटी जो छोड़ के आए हैं वो हमारे परिवार के विश्वास में छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमारे परिवार ने विश्वास दिलवाया कि इस बार इतनी बड़ी जीत होगी कि अपने परिवार को बड़ी से बड़ी पावर मिलेगी। बहुत बड़ी बात है सर। और सर, जैसे कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स से एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि वो अपने परिवार की और अपने तक ही सीमित रखता है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई हम अपने लिए नहीं, आपके लिए करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं आपको यहाँ पर आज खड़ा करके हाथ जो है अपना समर्थन दिया है, तो इन लोगों के लिए क्या ऐसी नई चीज़ है जो आप कहना चाहेंगे? देखिए सैनी साहब, ये पूरा जो हमारा परिवार है मेरे बारे में एक ही चीज़ जानता है, इन्होंने कभी भी आज तक ऑफिस के बाहर वेट नहीं की। जैसे ही आते थे ऑफिस में, ऑफिस दरवाजे खुले रहते थे, आके इनका आदर सम्मान किया जाता था और आते ही काम किए जाते थे। मुझे काफ़ी लोग कहते थे, सर पहली बार में काम क्यों कर देते हो, थोड़ा 2-4 चक्कर लगवाया करो ताकि काम की वैल्यू बताओ। मैं कहा मुझसे ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा परिवार सदस्य कोई ऐसे घूमे, वो मैं नहीं अच्छा लगता मुझे। तो पहली बारी में सबके काम किए जाते थे और जितना हमारे बस का था उससे ज़्यादा काम किए जाते थे। अभी मैं अपने पूरे परिवार को बोल रहा हूँ, केवल हमारे पास 1 साल है, 1 साल हमारा परिवार मेहनत कर लेगा तो पूरा परिवार को हम चंडीगढ़ ले चलेंगे। क्योंकि पावर तो इन्हीं को मिलनी है सारी की सारी। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं थोड़ा सा सर से पहले ले लेता हूँ। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर काफ़ी गैदरिंग है और कमाल कर दिया आपने, गांव वालों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया कर दिया जी, रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड। तो अब की बार तो भेदभाव नहीं होगा किसी प्रकार? भेदभाव क्या कर पाऊंगा, भेदभाव नहीं, एक तरफा जीत करवा, एक तरफा जीत। आज सर आप ही बताइए क्या करेंगे? बढ़िया जी, अच्छे वोट देंगे और संदीप जी को बनाएंगे। चलो, हाँ जी सर नमस्कार, क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप साहब का भारी बहुमत के साथ जिताएंगे। भारी बहुमत से पूरे। हाँ जी सर बताइए। बहुत मतलब संदीप साहब को तो नहीं मान लो कि अब की बार मतलब लोगों ने सब तरफ बहुत ही बदलाव हो गया है, क्योंकि हमारे देख लिए, रामविलास जी भी देख लिए और दान सिंह जी भी देख लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए संदीप जी का रुख बन गया है। हाँ जी जीत चढ़ के आस पक्की, आस होगी जीतने की। हाँ चलो, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बाबा, आप भी बताइए क्या कहेंगे? बात तो यही है कि जो क्लियर दिख रही है, जो कि कर्म है ना, वो आगे नीत के बरकत होती है। कोई कुछ करे संदीप साहब तो सेवा करे, बाकी जनता जाने। हाँ सर आप भी बताइए क्या बताना चाहिए? संदीप साहब को हम पिछली योजना से जुड़े हुए हैं जी, और अब की बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब की बार हम बाजी को पार ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए अब की बार काफ़ी युवा शक्ति है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे? बिल्कुल साथ है जी, वोट देंगे। वोट देंगे, साथ हैं। हाँ सर आप भी बताइए क्या बताना चाहेंगे? संदीप साहब अब की बार ये मानो कि 95% वोटिंग
ये मतलब दिल की आवाज है लोगों की। बिल्कुल जी। चलो हाँ जी सर बताइए क्या बताना चाहेंगे। देखो जी हमारे को जिस नेता की जरूरत थी, जिस प्रकार का नेता चाहिए हमारे को, वो नेता मिल चुका है, तो हम अब की बार गलती कर ही नहीं सकते। जो भी वोट देंगे पूरा संदीप साहब को बिल्कुल भारी खुश होकर के, क्योंकि आप कोई आए कोई बरगलाए वो चीजें नहीं, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। बरगला के बहुत छक लिए, पूरी तरह से छक लिए जो जिसने बरगलाया, अभी कोई गुंजाइश नहीं बने। जो जैसे नेता की जरूरत थी वो बिल्कुल हमारे सामने है, अगर हम गलती करके तो दोबारा हमारे को ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। हाँ सर आप भी बताइए क्या बताना चाहेंगे संदीप जी बारे। सर हम तन मन धन से संदीप जी के साथ हैं। अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड एक तरफा है सर, एक तरफा बनेगा बिल्कुल, एक तरफा तो सतनाली एरिया पूरा खुश है आप तो। पूरा खुश है जी, अब की बार वो चूक होगी होगी नहीं जो पीछे वाली में हुई। हाँ जी सर क्या बताना चाहेंगे। हाँ सर देश और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नेक नीति सच्चे ईमानदार और कर्मठ नेता की जरूरत है, और वो नेता आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो अब की बार, अब की बार मैं सभी मतदाताओं से करता हूं कि एक तरफा मतदान करके इनको भारी मतों से विजयी करें और बड़ा से बड़ा ओहदा प्राप्त करें। तो बड़ा से बड़ा ओहदा प्राप्त। देखिए काफ़ी है लोग अभी पीछे, थोड़ा समय और भाई हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में। हम तन मन धन से संदीप जी के साथ हैं और बहुत बढ़िया जीत होगी जी। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। हाँ बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप देख रहे हो क्योंकि थोड़ी सी कसर रही थी पीछे, अब की बार पूरी वो अब की बार नहीं होगी जी, अब की बार पूरी कर देंगे। बार पूरी कर देंगे। हाँ जी भाई साहब आप भी बताइए। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा जी हाँ चलो। हाँ जी बताइए सर। देखिए पिछली बार कुछ थोड़े से अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़े से भ्रमित हो गए थे मतदाता कि भाई एक जातवाद का फैला दिया था कि भाई हीर है वो वोट नहीं डालेंगे, बाकी वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला था, इस वजह से यहाँ थोड़े से वोट थोड़े से कम डल पाए कि लोगों को ये लगा कि कहीं हमारे वोट हार में नहीं जा रहे। बट अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब की बार इनका पूरा फ्लो दिख रहा है, इनकी जो जहाँ भी छोटे मोटे प्रोग्राम में जा रहे हैं तो काफ़ी गैदरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद अब की बार है ना 101% है ना संदीप जी, बहुत बड़े मतलब अंतर से इन दोनों जो पीछे के जो हमारे यूँ कह सकते हैं कि XMLA जो हम तो मान चुके हैं अभी भी उनको XMLA, अब की बार जो MLA होंगे वो संदीप सिंह होंगे। चलो बहुत बड़ी बात है जी, देखिए काफ़ी लोगों ने माना है। और भैया हमारा तो ये है कि इनको बहुमत सबसे ज़्यादा वोटों से बहुमत दिलाना है इनको जीत के, और यहाँ से भेजना है, और सारे भाई जितने भी हैं जो बुजुर्ग हैं माता बहन हैं सब आज से ही अपना ध्येय बना लो कि भैया अपन तो अब कड़ी मेहनत करनी है, ताकि संदीप सिंह को ये महसूस हो कि भी हाँ हम उस गांव में गए थे और हमारे साथ कितनी मेजोरिटी है। बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ी बात ठीक है। हाँ जी सर क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में। हम संदीप जी को जी पूरे बहुमत से जिताएंगे जी, SP बार पूरी बहुमत जिताएंगे पूरे। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए सर। हाँ जी संदीप को फुल बहुमत से जिताएंगे सर। बिल्कुल हाँ जी। आप भी बताइए सर। हाँ जी संदीप सर के साथ पे पिछली बार तो लोग जासम ले रहे थे, अभी की बार कोई जासम नहीं, पूरा पूरा समर्थन के साथ जीतेंगे और सब पूरा मन तन सब बिल्कुल साथ हैं। संदीप जी जिंदाबाद, संदीप जी जिंदाबाद। सर आप भी बताइए क्या कहेंगे संदीप जी बारे में। इस बार पूरा बहुमत से जिताएंगे और जो धोखे में रहे उस चीज को इस बार नहीं होने देंगे। तो अभी सरपंच हैं अभी प्रेजेंट में। हाँ फिलहाल सरपंच में गाऊंगा। हालिया सरपंच है। हाँ जी देखिए हालिया सरपंच भी इनके साथ है और अभी तो रह के आ गया क्योंकि गांव जो पूरे गांव के लोग तो समर्थन दे रहे हैं, सरपंच भी है और फिर तो सारे लोग हैं, एक तरफा एक मुकाबला है। अब की बार सतनाली में ज़बरदस्त तरीके की मुकाबले की टक्कर होगी और किस तरह से आप देखते हैं लगातार रस जो है पूरा SDM संदीप सिंह की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पीछे कुछ और मैं एक बार माताएं हैं जो हमें उनसे भी थोड़ा सा जान लेता हूं किस तरह से क्या देखती हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो संदीप जी को सुना है कैसा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, बुड्ढी से पूछ। अब की बार सारे वोट करोगे। हाँ वोट सब पूरे सपोर्ट करेंगे हम। अच्छा तो बहुत से आपने जुड़े रहे इनसे। हाँ मैं हम तो इनसे ही जुड़े हुए हैं। चलो आप भी बताइए जी क्या कहेंगे। वोट दे जिदे इतनी दूर है ना के करान मर गई रहा हम। वोट देने के लिए आए सुनने के लिए आए इनको। तो कैसे लगे नेता, कैसे हैं आप। अच्छा लगे, बढ़िया नेता से। बढ़िया नेता है। हाँ बढ़िया नेता से। तो अब की बार रिकॉर्ड बना दो। हाँ रिकॉर्ड बनाओ। कैसे मतलब डोर टू डोर और भी महिलाओं को जोड़ना है, कैसे करेंगे आप। जोड़ांगा। जोड़ेंगे। घर घर जाएंगे। घर घर जाएंगे। तो इनके लिए अब की बार जिताना, इनको चंडीगढ़ पहुँचाना है। हाँ इनको चंडीगढ़ पहुँचाना है और हमारे बच्चे लगवाएंगे तभी हम इनके साथ हुए हैं। हाँ जी आप भी बता दीजिएगा क्या कहेंगे। बढ़िया है जी, देंगे वोट। साथ ही हैं संदीप जी। साथ हैं। हाँ साथ ही, सारे साथ हैं। साथ हैं। देखिए सारी माताएं हैं, बहनें हैं, सारी साथ हैं और आज ये गैदरिंग जो देखिए ये सारा करती है, पूरी जो गैदरिंग है ये काफ़ी
लोग हैं इनका एक मैसेज लगा और मैसेज लगने के बाद जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और हम लगातार सतनाली कस्बे में अभी मौजूद हैं और अभी आगे की खबरें भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे आके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।